हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। जब अपने आप को वो क्रोन प्रिंस बने अपने वालिद की मदद से, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की, और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि क्योंकि क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत यंग थे, 32 ईयर्स ओल्ड एज थी उनकी, और वो जो थे अपने जिस क्रॉन प्रिंस की पोजीशन में आना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने किंग बनना था, तो उनको बहुत सारे जो जो सऊदीज जो रॉयल फैमिली थी उनको नाराज करना पड़ा। तो अब अगर डोमेस्टिकली आपके पास लेजिटिमेसी उस तरह ना हो, क्योंकि आप वो चेन ऑफ कमांड जो है उसको फॉलो नहीं करके आप ऊपर आ रहे जिस तरह के माजी में सऊदी अरब में होता रहा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की, और एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की, और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है, ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खवातीन को एम्पावर करेंगे, उनको जॉब्स देंगे, वो रात को भी नौकरी कर सकती हैं, वो अपने महरम के बाद ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक अहम चीज़ है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है, और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लेंगे जो दूसरे मजाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारता है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा, और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मजाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको उसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे, और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो जो बाकी मजाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के बुद्धिज्म के कर्मा रामायणा महाभारता धर्मा इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहाँ पे मुसलमान जो हैं
वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मजाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मजाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमिनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज्ड। और हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे और वो जितना ज्यादा दूसरे मजाहब को समझेंगे उनको उतनी बेहतरी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सऊदी अरब में देखें तो उन्होंने अगर अपने आप लोगों को सिर्फ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम बताया और जो इंटरप्रिटेशन कुरान की और अहादीस की जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट ने की, अब सऊदी अरब में भी जारी बात है वहां का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे एक तो रॉयल फैमिली थी और फिर क्लर्जी थी, तो दोनों ने बेसिकली अपनी पावर शेयर की हुई थी और एक दूसरे के साथ कंसेंसस चल रहा था। तो अभी प्राइमरली जो रॉयल फैमिली है वो जो सऊदी क्लर्जी है उसको चैलेंज कर रही है, लेकिन बड़ी स्लोली कर रही है और क्लर्जी को भी समझ लग गई है कि अब ये मुमकिन नहीं है इस तरह जो रॉयल फैमिली को आंखें दिखाना। जो अहम चीज है वो ये है कि अगर जो जो इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन जो हिंदू मजहब है, अगर उसको जो है वो सऊदी लिटरेचर में या सऊदी टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया जा रहा है तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और हमें भी पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें जो दूसरे मजाहब हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो चीजें हैं उसको अपने मजहब में लेके आना चाहिए, सॉरी अपने लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में लेके आना चाहिए ताकि हम लोगों को और तो खुद गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया का ये अपडेट तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में बहुत दिन पहले ही डाल दिया था कि सऊदी अरेबिया स्कूल्स में सब्जेक्ट्स में महाभारत और रामायण को पढ़ाएगा। मतलब ये कंपलसरी नहीं रहेगा, जैसे कि आपको भी पता होगा आप 10th तक पढ़ते हैं तो आपको कुछ सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, उसमें आप चूज़ कर सकते हो हिंदी, कंप्यूटर, ये और वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं। तो उसी तरीके से ये रहेगा। तो हो सकता है दोस्तों कि ये मतलब एक नई सोच है सऊदी अरेबिया में, लेकिन इस सोच के खिलाफ तो पता था रिएक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से आना है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों के मुसलमान आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा हर चीज़ में, प्रोटेस्ट में, हर चीज़ों में आगे रहते हैं। और अगर आपका इसको अच्छे से मतलब जो रिएक्शन देखना है तो मुल्ला मौलाना ने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक को लेकर रिसेंटली, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। ये सऊदी अरेबिया के लोगों को भी काफिर करार दे रहे हैं, बोल रहे हैं दज्जाल, ये वो, ये फिर से बुत पूजेंगे, इस तरीके की बातें वैसे भी होने लगी हैं, मतलब सिर्क जमाने भर की बातें। तो दोस्तों आपको भी पता है कि किसी चीज़ को अनलर्न करना, मतलब किसी सीखे सिखाई हुई चीज़ को भूलना बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो भी रिलीजियस। तो पहले ही आपको सिखाया गया है काफिर, मूर्ति पूजक काफिर हैं, ये हैं, वो हैं, दूसरे धर्म को आप टॉलरेट नहीं कर सकते। इस चीज़ें की इस तरह की चीज़ें अगर आपको पहले ही सिखा दी गई हैं तो ये चीज़ें आप कैसे बर्दाश्त करोगे। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम मेरा भाई दोस्त देख रहा है वीडियो तो वो दिल पर हाथ रख के बोले कि ये झूठ बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। आपको पहले ही सिखाया गया है कि आप किसी दूसरे मजहब के झूठे खुदा को भी झूठा ना बोलें, ये कुरान में लिखा है, ये बोला गया है। ऐसा कई आपने सुना होगा कई मौलानाओं के द्वारा कि किसी
दूसरे मजहब के झूठे खुदाओं को भी झूठा ना बोलें, इस तरीके का कोट करते हैं बहुत सारे मौलाना, आपने टीवी डिबेट्स वगैरह में देखा होगा। तो आप जब पहले ही झूठा बोल रहे हो तो फिर आप झूठे मजहब के झूठे खुदा की इज्जत भी क्यों कर रहे हो, जब आपने पहले ही क्लियरली झूठा बोल दिया है जिससे कि वो मेरे मजहब के उल्टा झुलटा ना बोले, इस तरीके का कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं गाइज। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है सऊदी अरेबिया की बहुत अच्छी पहल है और सऊदी अरेबिया के मुस्लिम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं करने वाले जो वहाँ के लोकल्स हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि धर्म की रक्षा आप ऐसे मतलब डरा धमका कर नहीं कर सकते, धर्म अंदर से निकलता है। अगर आप सोचें कि किसी को आप मंदिर जाने से या किसी दूसरे धर्म के सामने से झुकने से पैर पड़ने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म ख़त्म हो जाएगा, मुझे फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं आपके। तो ये चीज़ें ये 5-6 साल में पता चली हैं लोगों को, पहले ये चीज़ें पता नहीं थी, पहले आपको भी पता है कि ये चीज़ें नहीं पता थी लोगों को, तो ये पिछले 5-6 साल में पता चली हैं। और हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है या हिंदू एक ऐसा धर्म है जो चर्च में भी चला जाएगा, मस्जिद में भी चला जाएगा, गुरुद्वारा में भी चला जाएगा, और जो भी पारसी धर्म है यहूदी धर्म के अगर यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल है, जैन धर्म को तो मंदिर में जाते ही हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होने वाला, वो काफिर नहीं हो जाने वाला है, आपको भी पता है ये चीज़ें, और जाते भी थे। लेकिन अब क्या है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, लोगों को पता है कि मुस्लिम के धर्म में ये हराम है मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, तो मैं मस्जिद में क्यों जाऊँ। इस तरीके की चीज़ें पिछले 5-6 साल में सोशल मीडिया में इतनी बढ़ चुकी हैं कि हिंदू भी अब मस्जिद जाने में कहता कि मैं क्यों जाऊँ जब सामने वाला मेरे मंदिर में नहीं जाता। इस तरीके की चीज़ें इंडिया में होने लगी हैं। तो गाइज़ ये तो मैं टॉपिक से हटकर बात कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मेरा कोट क्या था कि आप किसी चीज़ को अनलर्न नहीं कर सकते, जो चीज़ आप सीख चुके हैं वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है दुनिया का अनलर्न करना। तो मेरा यही था कि अनलर्न करने के बारे में बात कर रहा था। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है कि भाई टॉलरेंस सिखाएगा अपने लोगों को, धीरे धीरे टॉलरेंस का इंजेक्शन भरेगा, भले ही इंजेक्शन आज से 20 साल बाद काम करे। जो आप भी समझ रहे हो सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा मतलब जो क्या बोलते हैं हज करने के लिए जाते हैं मक्का मदीना, वो है सऊदी अरेबिया। ऐसा ही दुनिया में मतलब अगर सारे मुसलमान की एक इच्छा होती कि वो हज मक्का मदीना में ज़रूर जाएं, वही देश है सऊदी अरेबिया। तो गाइस आपने कमर चीमा को सुना, ये आप इनको सुनकर तो शॉक्ड हुए होंगे क्योंकि ये इस तरीके की बातें तो नहीं करते थे, पता नहीं ये कितने बदल गए हैं, लिबरल बन गए हैं, पाकिस्तान में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में गीता वगैरह पढ़ाने की सोच रहे हैं। तो ये तो वैसे भी आपको भी पता है कि ये अभी ज़्यादा पढ़ाएंगे तो इनको फिर तो बच्चे भटक जाएंगे, इनको यही डर रहता है कि ये दूसरे धर्म को पढ़ के भटक ना जाएं, मतलब इतना गजब का डर है, अब मैं क्या बोलूं। तो गाइस ये वीडियो करते हैं खत्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इस टॉपिक को सीरियसली सपोर्ट करें। और कोई मुस्लिम भाई देख रहा है तो प्लीज़ जो मैंने बातें कही हैं वो मैंने सोशल मीडिया पर ऑब्जर्व की हैं, आपने भी देखा होगा ये चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ को अनलर्न करना बड़ा मुश्किल है। और सऊदी अरेबिया के इस टॉपिक को अगर आपको सही रिएक्शन देखना है मुसलमानों का, तो जो मौलानाओं ने अभी फ़िलहाल जो भी लोगों ने मुस्लिम इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं उसके आप उसमें जाएँ क्या कहते हैं कॉमेंट सेक्शन में, आप रिएक्शन देख लेंगे असली रिएक्शन क्या है, कितना टॉलरेंस है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर करता हूँ ख़त्म।